नमस्कार दोस्तों, समय आप लोग देख सकते हैं कि इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ कि माता जी उम्र कितनी है आपकी, उम्र कितनी है? हाँ, 95 साल। नाम क्या माता जी? फूलपति। फूलपति है जी, फूलपति 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 नाम है दोस्तों। आप देख सकते हैं फूलपति 95 साल की है, सबसे पुरानी यानी कहे यहाँ पे सबसे वृद्ध, जो कि आकाशवाणी रेडियो कार्यक्रम चल रहा है उसमें उनकी श्रोता है। और इस समय हम आपको हरियाणा के करनाल सीएम सिटी से ये खबरें दिखा रही हैं कि इस समय देख सकते हैं कि करनाल में एक आयोजन है जो पूरे भारत से रेडियो संचार के माध्यम से चल रहा है और ये सबसे पुरानी रेडियो की श्रोता गण है जी। हाँ, मैं समय दिखाना चाहता हूँ, धन्यवाद। उस समय मैं आपको दिखा सकती लोग मोमेंटो के साथ यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। आप समय देख सकते हैं कि दूर दराज से यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं रेडियो के अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन करनाल। जी हाँ, इस समय आप जागरूक हरियाणा के माध्यम से देख रही हैं कि यहाँ पे सभी अतिथियों को सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान भी अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन के विशेष सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है। मैं नहर सिंह कटारिया आप लोगों से विनती करता हूँ कि वीडियो को ज्यादा से शेयर, क्योंकि पूरे भारत का एक आज एक ऐसा अभियान है कि अखिल भारतीय रेडियो जो भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन करनाल के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस समय आप देखते हैं, जी हाँ, दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहां पर बहुत बड़ा सम्मेलन कि रेडियो को सुनना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय में आपको जो कि ज्ञान भूषण शर्मा जी अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में आज कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस जमाने में रेडियो को माना जाता है कि रेडियो संचार कुछ नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री, जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार से बताया जाता है मन की बात, जी हाँ, मन की बात वो रेडियो संचार के माध्यम से ही की जाती है। आज पूरे भारत से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं जो कि रेडियो को अच्छा मानते हैं, सुनते हैं। जब एक समय था कि रेडियो के माध्यम से, जी हाँ, रेडियो के माध्यम से लोगों को सारी तमाम जानकारी मिलती थी। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस समय पूरे भारत से यहाँ पर लोग हैं और जिनको आज सम्मान भी दिया जा रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस समय देखते हैं कितना प्यार मान सम्मान यहाँ पर मिल रहा है। मैं बात करना चाहता हूँ आज के जो अध्यक्ष हैं, वो क्या करना चाहते हैं। सर नमस्कार, सर आज जो कार्यक्रम है, थोड़ा यहाँ जाएंगे, आवाज़ ज़्यादा गूंज रही अंदर की। सर जो कार्यक्रम है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? सर पहले तो मैं आज 20 अगस्त को करनाल के अंदर अखिल भारतीय रेडियो सम्मेलन करवाया जा रहा है, जिसके अंदर पूरे भारत से लगभग 250 से 300 श्रोता यहाँ इकट्ठे हुए आए हैं। अकेले महाराष्ट्र से 55 श्रोता, नेपाल से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, बंगाल से, कटिहार, बंगाल, राजस्थान, हिमाचल, सारे राज्यों से आए हुए हैं और एकल के आए हुए हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि 20 अगस्त को रेडियो श्रोता दिवस होता है, इसी दिन भारत के अंदर पहला रेडियो पर प्रसारण शुरू हुआ था। और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा अध्यक्ष होने के नाते, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से समय लेकर आए हैं। हमारा अलग ही अपना एक भाईचारा है, जहाँ कोई किसी को पहचानता था ना जानता था, सिर्फ फेसबुक और रेडियो के माध्यम से जानते थे। और सब आए हैं, अभिजीत मानकर जी है, इनका इम्प्रूवमेंट करवाने आया हूँ। अभी
प्रधानमंत्री जी प्रदान कर, मैं प्रधानमंत्री जी से इस मंच पर ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के पहले विविध भारती हो, ऑल इंडिया हो या भारत की आकाशवाणी हो, वहाँ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम उन्होंने बंद किए हैं। तो हमारा ये सम्मेलन लेने का उद्देश्य यही है कि हमारा जो किसान है, हमारी जो नारियां हैं, उनके लिए जो आकाशवाणी पर प्रोग्राम प्रसारित होते थे वो लगभग बंद किए हैं। तो हमारा अनुरोध है सभी श्रोताओं की तरफ से कि ये सभी प्रोग्राम पूर्ववत चालू किए जाए। जी धन्यवाद, बात कर सर, नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सचिन शर्मा लाडवा से, हम आपका सभी का यहाँ पे आए हुए हैं उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं श्रोता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, कम से कम 300 लोग यहाँ पर दूर दराज से हिंदुस्तान में आए हुए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, जी जी, कहाँ से आप? रामनगर करनाथ से। क्या बात, रामनगर से भी आप पहुँचे सर, नमस्कार, कहाँ से आप? आज राम में हमारा एक छोटा सा बड़ी आयोजन किया है यहाँ पे कार्यक्रम समिति ने। आज हम यहाँ पे आज का विश्व के पक्ष में कई सारी समस्या, प्रसार भारती ने जो हमारे उससे हमें बहुत राहत हुई है। हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी लोकल के जो कलाकार हैं वो उसमें अफेक्ट हो जाएंगे और वो जब ये इसको बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को हमारे विशिष्ट अतिथि अशोक, बड़ा आनंद मिलेगा हमारे श्रोताओं को। हमारा जो रेडियो का अस्तित्व है अशोक ग्रोवर जी लगभग 50-60 साल अशोक ग्रोवर जी रेडियो के ऊपर, आज भी हम उसको बचाना चाहते हैं। रेडियो ही हमारी आवाज़ है, दो मिनट के लिए इस माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि इसको पुनः राहत मिले हमारे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, नमस्कार, क्या एक क्या कहना चाहेंगे आप? जी रेडियो के बारे में तो इतना ही कहना चाहूँगा, देश के हर कोने कोने में आज 20 अगस्त को यहाँ हर श्रोता जगह जमा हो गए हैं और इधर बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया है। मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से एक छोटे से गांव में आया हूँ, गांव का नाम है सालोर गांव और मेरा नाम है किरण। धन्यवाद सर। जी हमारी इच्छा है हमारी धन्यवाद को सुन करके मन की बात माननीय प्रधानमंत्री की सुनते हैं। आज भारत के अंदर करनाल में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, हम भी सराहना करते हैं आज अखिल भारतीय रेडियो सम्मेलन की। जी हाँ, इनका भाई जी, आप अभी प्रसार भारती को मान चल रही है, प्रसार भारती ने कुछ
बड़ी दूर दूर से मैं अभिजीत दोहानकर मेहरनगर उमर के महाराष्ट्र। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि 20 मार्च 2020 से विविध भारतीय और ऑल इंडिया के सभी कार्यक्रम कोरोना की वजह से बंद किए गए हैं, वो कार्यक्रम शुरू किए जाए। के सभी कार्यक्रम वन नेशन वन प्रोग्राम के अंतर्गत बंद किए हैं और इसीलिए यह सम्मेलन रखा गया है और भारत के कोने कोने से यहाँ श्रोता जमा हुए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, करोड़ों लोगों का रेडियो उन्हें वापस दे दो। सभी लोग खेतों में रेडियो सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो आप हमारा ये रेडियो मत छीनो, कृपया प्रसारण पूर्वक रखो, यही हमारा अनुरोध है हाथ जोड़ के। जी हाँ, रेडियो बचाओ आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि रेडियो का मनोरंजन का साधन है, लोगों को हमेशा खुश रखता है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखता है। बात करें सर, नमस्कार, कहाँ से आप? मैं मध्य प्रदेश के खंडवा शहर से हूँ जी, जहाँ किशोर कुमार अपने पार्श्व गायक पैदा हुए हैं जी, उस शहर से आया हूँ जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से ये चाहता हूँ कि अभी आकाशवाणी में जो समय कम किया गया है उसे पूरा बढ़ाया जाए और यही मेरा रिक्वेस्ट है। ये सम्मेलन भिन्न भिन्न देशों से और भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए रेडियो से उनकी संस्कृति का जानने का अवसर प्राप्त होता है। ये सम्मेलन 20 अगस्त को हर वर्ष आयोजित होता है। अखिल भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश में भी 2018 में आयोजित किया गया था। मैं सभी श्रोताओं को आज के दिन की बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, सम्मेलन की बात करें, वो सम्मेलन है आनंद जोशी खंडेलवा खंडेलवा से मध्य प्रदेश से पहुंचे हैं। आप देखते हैं यहाँ पर प्रमोद बागड़े यहाँ पर जो पहुंचे हैं इस समय, और मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जी हाँ, नेपा नगर से एमपी मध्य प्रदेश से यहाँ सुरेश शाह पहुंचे। सुरेश जी क्या कहते हैं आप? सुरेश जी सुदर्शन शाह, नेपा नगर एमपी। जी, लेकिन अभी कुछ समय पहले आकाशवाणी के तमाम कार्यक्रमों में जो परिवर्तन किए गए हैं उसको लेकर के हमने कई ट्वीट, कई पत्र हमारे केंद्रीय संचार मंत्री जी और प्रधानमंत्री कार्यालय को और मध्य प्रदेश सरकार के कार्यालय को ट्वीट भी किए हैं। धन्यवाद। यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़ा कार्यक्रम यथावत शुरू करें। जी धन्यवाद सर, नमस्कार, क्या कहेंगे जी आप? जी, मैं बादल सिंह गिल, गांव पांडू पिंडारा, जिला जींद, हरियाणा। मेरा श्रोता सम्मेलन है करनाल में, इसमें शामिल हुए हैं, बहुत श्रोता बंधुओं से मुलाकात हुई, मुझे दर्शन में बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से आए हूँ, मेरा नाम है प्रमोद बगाड़े। आकाशवाणी सुनना और आकाशवाणी के विविध प्रोग्राम सुनना हमारा काम है, वही हम करता हूँ। मैं 1984 से आकाशवाणी सुनता हूँ, इस डिजिटल युग में भी मैं सिर्फ आकाशवाणी सुनता हूँ। आकाशवाणी से हमें मनोरंजन ही नहीं बल्कि विविध माध्यम से और भारत के कई राज्यों से विविध देश के कई एक जगह इनके बाद जो मनाते हैं। धन्यवाद। जी हाँ सर, नमस्कार, क्या कहेंगे सबसे पहले? बहुत बढ़िया, मैं रेडियो से इतना मैं बहुत ज्यादा जी, और बहुत ज्यादा इस टाइम इनकम वो है जमींदार को जी। सभी भाई है रेडियो सुननी चाहिए, बढ़िया सही बात है जी, और मन की बात भी सुना जी। जी हाँ धन्यवाद। जी हाँ नमस्कार सर, क्या कहेंगे आप जी? जी सर, मैं मध्य प्रदेश से अपने रेडियो सुनकर विश्व के मौके पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे रेडियो चैनलों में जो कटौती की गई, हमारी क्षेत्रीय भाषा, हमारी कई परंपरा कभी कार्यक्रमों का जो कटौती की जा रही है उसमें आप पुनः संशोधन करें और उन्हें शुरू करने की कृपा करें, क्योंकि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का है। वहाँ की सारी सूचनाएं मनोरंजन हमें आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से मिलता है, यहाँ तक कि लाखों करोड़ों श्रोता आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। इस समय में आराम करने वाले
आकाशवाणी केंद्र को बंद करें, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है हमारे देश में। जी 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 सर, मैं राहुल नगर महाराष्ट्र से सम्मेलन में शामिल हुआ हूँ। जो प्रोग्राम मन जाएगी तो आपकी फरमाइश हो, सूरज के साथ साथ शाम सुहानी वैसे बहुत से जो कार्यक्रम है फिलहाल बंद है, वो कार्यक्रम जैसे शुरू हुई जाए। ये मैं प्रसार भारती से ये सम्मेलन के माध्यम से मैं यहाँ विनती करती हूँ, निवेदन करता हूँ। इस सम्मेलन के बारे में आज 20 अगस्त पूरे भारतवर्ष से इस सम्मेलन में सभी श्रोता सम्मिलित हुए हैं, सभी श्रोताओं को मैं सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, नमस्कार सर, कहाँ जा रहे हैं बताइए पहले, कहाँ कार्यक्रम में आए थे, कैसा लगा कार्यक्रम? कार्यक्रम अच्छा लगा जी बहुत। क्या मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से? अपना परिचय दीजिए पहले। मैं दत्तलाल बंसल आदर्श बरियाली जिला भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। जी धन्यवाद धन्यवाद जी। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूँगा कि रेडियो एक ऐसा साधन है जिसमें सारा परिवार सुन सकता है, और हम किसी टीवी या किसी को सारा परिवार बैठा नहीं सुन सकता। रेडियो ऐसा सिस्टम, ऐसा बढ़िया सिस्टम है जिसको हम माँ बाप बेटी बहन भाई सब सुन सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम चालू करें और इसको बढ़ाए, घटाए नहीं। तो आदमी कम कर दिए इस रेडियो स्टेशनों में, लोग इन्हें सरकार ने भर्ती कम कर दी जी। वो रेलवे से काम चला रहे हैं जी। ये बहुत बढ़िया माध्यम हमारा आपस में बात करने का, समाज को सुधारने का ये काम करता है, और खेती बाड़ी का काम करता है, उद्योगों के बारे में बातें बताते हैं। ये तो ऑलराउंड है, इसको तो और अच्छा उसे उभारना चाहिए। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र भाषा में कहीं ना कहीं इसके सारे मनोरंजन प्रोग्राम होने चाहिए, या सर सभी क्षेत्रों के बारे में जो कटौती हो रही है वो कटौती ना होकर के हर क्षेत्र की भाषा को समझते हुए लोगों को मोहित करना चाहिए, जिस प्रकार से पहले कर रही थी। बिल्कुल जी, हर क्षेत्र में हर जगह हर इसको हमने और ऊपर उठाना चाहिए, सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जी। और ये नहीं होना चाहिए भाई इसको ये फालतू स्टेशन थोड़ा है, फालतू सुन सरकार ने तो ये सारे नई भर्ती निकलने करे इसके अंदर, नई भर्ती करनी चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे MBA BCA जो भी आते हैं, आजकल एग्रीकल्चर है BA करके आते हैं MA करके आते हैं, उनको भर्ती करनी चाहिए उनको। सर अगर अच्छा समाज होता है, अगर कहे देश को चलाने वाली सबसे बड़ी पगडंडी अगर कहे तो संचार का माध्यम रेडियो ही तो थी। और रेडियो के माध्यम से अगर मान लो देश मजबूत बनता है तो आखिर आज डिजिटल आने के बाद क्यों उस बैसाखी को तोड़ने की तैयारी चल रही है? ये तो सरकार की थोड़ी नीयत में खोट है जी। तो हर एक चीज को उसने ये समझ लिया भाई, बिजली समझ लिया जी, भाई इससे हमें घाटा है, रेडियो को फायदा नहीं, ऐसी बात नहीं। पब्लिक के लिए तो सरकार है जी, किसी अपने खुद के लिए थोड़ी सरकार है जी। पब्लिक के लिए सरकार है, पब्लिक को आगे उठा ले जाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, अच्छी अच्छी शिक्षाएं देती है रेडियो, तो हमने इसको उभारना चाहिए, इसको डाउन नहीं करना चाहिए। यही कहना चाहूंगा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे साथ प्रधान जी जुड़ चुके हैं। प्रधान जी बहुत सारी आज यहाँ जाते हैं प्रधान जी। उर्दू सर्विस के उद्घोषक इरफान आजमी जी का स्वागत, अभिनंदन एक नजर तालियां से स्वागत करें। मैं आपको बताना
की बात हो या कृषि क्षेत्र की बात हो या मनोरंजन की बात हो, रेडियो के कान लगा के सुन करके हम लोग अपने आप में बड़े भारतीय और मां भारती को गैर मतक करते हैं। एक कोने में किसान बैठा खेतों में रेडियो सुनकर के अपना काम कर रहा, उसको पूरे भारत के समाचार वहां पर उसको मिल रहे, मनोरंजन की मैच मिल रही। आज टाइम है कि रेडियो दूरदर्शन आकाशवाणी को बचाने का, अगर नहीं आ जाते तो ये खत्म हो जाएगा, कल को कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं वाकई रेडियो को बचाना है तो मेरे साथ दो जाकर ला दीजिए। आप और मां भारती से प्यार करती है, आप अखिल भारतीय रेडियो श्रोता बन के वाक्य श्रोता में है तो दो नारे लगाने होंगे। लगाने को तैयार है? आप तैयार हो? तो मैं कहूंगा रेडियो रात को के जिंदाबाद, क्योंकि जिंदाबाद से ये कहेंगे उसको जिंदा रखना है, रखना है, रखना है। रेडियो जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं नहर सिंह कटारिया, मैं आप लोगों को लेकर के आऊँ करनाल में। करनाल वो है जहाँ करण राजा करण यहाँ पर सवा मन सोना दान किया करते थे। आज यहाँ पूरे भारत के लोग सॉरी अगर मैं कहूँ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अगर कहूँ मध्य प्रदेश, अगर कहूँ यहाँ पर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, अरे सर यहाँ बंगाल और नेपाल तक के लोग आज यहाँ एक मंच के नीचे खड़े हो गए हैं। कहाँ अखिल भारतीय सम्मेलन भाई, एक बार हाथ खड़े करो, क्या बात है। आप देखते हैं ये हाथ मिलकर जो बनी है वो एक कामयाबी के लिए बनी है, यानी रेडियो बचाओ इनका आंदोलन है। क्योंकि जब तक रेडियो नहीं बचेगी, सबसे पहले अगर कहें इस देश की आजादी या जब हिंदुस्तान के किसी देश के साथ में अगर कहीं युद्ध हुआ करते थे, चाहे फसल की बात होती थी, चाहे किसी प्रधानमंत्री की बात होती थी, मुख्यमंत्री की बात होती थी, तो आकाशवाणी के माध्यम से आम जनता रेडियो के माध्यम से सुना करती थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं यहाँ पर हमारे जो प्रधान जी हैं, मैं उनको भूषण शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ जो रेडियो बचाओ आंदोलन में आज पूरे भारत को इकट्ठा एक बैनर के नीचे कर डाला। जी हाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डिजिटल का जमाना जरूर है परंतु रेडियो के बिना बिल्कुल अधूरे हैं।
आज रेडियो को पूरा परिवार बैठकर सुन सकता है, परंतु डिजिटल की बात करें, चाहे किसी फिल्म की बात करें, चाहे किसी हम लोग चाहे फेसबुक या इंस्टाग्राम की बात करें, पूरा परिवार नहीं बैठ सकता। इतनी अश्लील वीडियो आती है, इतने जो के बच्चों को भ्रष्टाचार और क्राइम की ओर बढ़ाकर लेके जा रही है। परंतु सिर्फ और सिर्फ आप जब आकाशवाणी की बात करते हैं, आकाशवाणी से मन की बात करते हैं, तमाम हिंदुस्तान कान ऐसे लगा करके सुनता है और इतना अच्छा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। मैं बात करता हूँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, आज इतना बड़ा प्रोग्राम आपने आयोजित किया शर्मा जी, इसके लिए कितनी आपने मेहनत करी हो? सर्वप्रथम सबसे पहले जी तो मैं करनाल में ये आयोजित अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन में जी भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों से जो सैकड़ों श्रोता आए हैं, मैं पहले करनाल आने पर उनका हार्दिक वंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो 20 अगस्त का प्रोग्राम है, ये रेडियो श्रोता दिवस होता है। इसी दिन 20 अगस्त 1921 को जी भारत के अंदर पहली बार रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था, उस उपलक्ष्य में ये हमारा श्रोता दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। और पहली बार ये जो श्रोता दिवस है, ये परशुराम साहू जी ने अपने वहां छत्तीसगढ़ में किया था। तो आज दूर दूर से श्रोता आए हैं, और ये एक बात और कहना चाहूंगा कि रेडियो का प्यार जी हम शायद 90% श्रोताओं को कल पहली बार मिले हैं। जी 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 जी। और देखो कम से कम लगभग 300 श्रोता आए हैं, श्रोता आ गए हैं। अकेले महाराष्ट्र से 55 श्रोता हैं, नेपाल से, छत्तीसगढ़ से। क्या बात है, अरे अरे महाराष्ट्र का माल है ये भाईचारा। आज शर्मा जी एक मिनट, ये भाईचारा पूरे भारत से, जी हाँ 55 के 55 केवल महाराष्ट्र से है। कोई दबाव नहीं दिया गया, कोई रिक्वेस्ट नहीं दी गई, सिर्फ कहा कि एक कार्यक्रम में पहुंचना है। तो आज इसका चार चांद लगाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री आपके घर क्षेत्र में आज मनोहर लाल जी, हम बताना चाहते हैं कि आज पूरा भारत आपके घर में निवास करने यहाँ पर एक कार्यक्रम करने पहुंचा है। और मैं एक बात और कहूँगा, रेडियो को मन की बात जो प्रोग्राम है जी, उसने और ज्यादा मशहूर और रेडियो को इज्जत दिलवाई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आजकल कुछ स्टेशनों को मात्र 4 घंटे का कर दिया गया है, बाकी सारा प्रसारण न्यूज भारती से होता है। मेरा सूचना प्रसारण मंत्री जी से अनुरोध, जैसे पहले 10 या 12 घंटे का प्रोग्राम होता था तो वैसे ही होए। क्षेत्रीय जो प्रोग्राम, जैसे हमारे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है, तो वहाँ पर पहले 12 घंटे का प्रोग्राम चलते थे, 6 बजे से 11 बजे तक, लेकिन अब मात्र 4 घंटे चलते। तो एक तो उनको दुरुस्त किया जाए, पुराने वाली लाइन पे किया जाए, और एक मैं आप सबसे कहूँगा कि रेडियो का एक ऐसा नाता है, अगर आप जिंदगी में रेडियो के साथ जुड़ोगे तो आपके शरीर में आदमी प्रॉब्लम खत्म होगी, आपका जीवन खुशहाल होगा। और एक बात और छोटी सी जी, कि रेडियो की बदौलत ही मुझे ये दोस्त मिले। आज दोस्ती वो कहते ना पंजाब और हरियाणा भाईचारा की जिंदाबाद की बात करते हैं, आज यहाँ मेघालय भी है, आज यहाँ पश्चिम बंगाल भी है, अगर बात नेपाल है, यहाँ पर अगर के मध्य प्रदेश, सभी लोग आज यहाँ पंजाब। आप सबको मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों को कि कैसे धन्यवाद करे आपका, अल्फाज नहीं मिलते। कैसे धन्यवाद करे आपका, अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसे दोस्त भाई। आज दो नारे हो जाने चाहिए, मैं कहूँगा रेडियो आप कहोगे जिंदाबाद, मैं कहूँगा आकाशवाणी तो कहोगे आप जिंदाबाद, कहोगे ना कहेंगे रेडियो जिंदाबाद। और सब जब आवाज नहीं, खाना पुणा नहीं खाएंगे, करनाल में आराम खिलाएंगे पक्का। रेडियो जिंदाबाद, रेडियो जिंदाबाद, रेडियो जिंदाबाद, आकाशवाणी जिंदाबाद। अब बचाव की जरूरत है, और प्रधानमंत्री जी हम बताना चाहते हैं, अब रेडियो के श्रोतागण खड़े हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि रेडियो को जिंदा रखें, हम
उस रेडियो के लिए अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो हम आपके चरणों में बैठ जाएंगे, परंतु रेडियो को हमें कटौती नहीं करने देंगे, रेडियो बंद नहीं करने देंगे और रेडियो को जिंदा रखना है, क्योंकि रेडियो हमारा प्यार, हमारा भाईचारा, भाईचारा और हमारा सब दोस्ताना मजबूत करता है। रेडियो को बचाओ, बचाओ भाई बचाओ, रेडियो को बचाओ, रेडियो को बचाओ, रेडियो को बचाओ। दोस्तों धन्यवाद, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि तमाम भारत में ये वीडियो जाए और जो भाई पूरे भारत से यहाँ इकट्ठा हुए हैं इनकी मांग को पूरा किया जाए और रेडियो बचाओ जरूर हो और रेडियो की सुनाई जरूर हो। इतने श्रोता का नागर इकट्ठा हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं सभी भाइयों को, आप भी आ जाओ भाई, आपकी फोटो जरूर लेनी है, आपने बढ़िया किया है। मैं दोस्तों नार सिंह कटारिया आप लोगों को इस समय दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जागरूक हरियाणा के माध्यम से तमाम भारतीय इकट्ठा हुए, आज माँ भारती के सपुत्र उस परदेशों की मिट्टी यहाँ पर इकट्ठी हुए, मिट्टी से पैदा हुए फूल यहाँ पर पैदा हुए हैं और वो इकट्ठा हुए आज चाहे हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या कहीं भी रहे, आज महाराष्ट्र की बात करें, आज यहाँ पर माँ भारती के सपूत श्रोतागण यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। जी हाँ, इस समय मैं एक महिला भी हमारे बीच में है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा आखिर वो क्या कहना चाहेंगे। मैम नमस्कार, शुभ नाम आपका? हाँ बोलिए। मैडम शुभ नाम क्या आपका? जी मैडम शर्मा रहे हैं, क्या बोलना बोलिए, क्योंकि मैडम जी सुनते हैं रेडियो और मैं चला रहा हूँ पत्र। अच्छा, लिखती है लेटर? अच्छा, क्या मैं करता हूँ पोस्ट? क्या बात है, ये तो डिपार्टमेंट अच्छा हो गया भाई, पक्का बात है। अभी पहला मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ जी, बहुत खुश हूँ, मेरे सारे मित्र, सारे प्रेमी जी के नाम सुनता हूँ, सबसे मिलूंगा अभी मैं जी, और मैं बहुत ही आज हार्दिक स्वागत करता हूँ सबका। क्या और सबका बहुत बहुत प्यार मेरा, और आकाशवाणी मित्र जितने भी है जी, सारे मेरे प्रेमी भाई, ठीक है, मिलते नहीं है लेकिन नाम से तो हम अवगत रहते ही है जी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। धन्यवाद। एक हमारे साथ बुजुर्ग आदमी है, नाम है इनका महेंद्र साहब, जो के समय रोहतक हरियाणा से इकट्ठा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इतना प्यार मिल रहा है, इतनी खुशी मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? इतना दिल बाह बांध हो रहा है। ओहो, क्या बात है, अभी 52 साल हो गए हरियाणा साहब। अच्छा जी, एक शेर हो जाए जी, यही दिल की तमन्ना है, घड़ी तो वक्त मिल जाए हमें भी याद कर पेगा। श्रोता दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जी हाँ, मैं कृष्णा पास से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना। जी हाँ सर, स्नेकमैन खुशी मोहम्मद मंडी डोबाड़ी से पहुँचे हैं जी, और देश के कोने कोने से जो श्रोतागण यहाँ पर पहुँचे हैं जी, हरियाणा की पावन भूमि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जी। आप सभी की यहाँ आगमन पर बहुत हमें खुशी है, हरियाणा के राज्य में आप सभी देश के हर कोने से यहाँ पहुँचे हैं, हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ धन्यवाद सर जी। सर सर नाम बाबू सिंह दीवान मुक्तसर से आया हूँ। हमारा नाम जी, सभी को मैं श्रोता देश की बड़ी बधाई देता हूँ जी। जी धन्यवाद जी। मोहल्ला दौसर है, मियां जी अगर एक शेर ना हो तो मजा नहीं आएगा। क्या बात है, बात बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे जी। कोई तस्वीर ना उभरी तेरी तस्वीर के बाद, वाह वाह, जहन खाली रहा कासा ये साहिल की तरह। क्या बात है, क्या बात है भाई, कमाल कर दिए। हाँ जी हाँ जी, नमस्ते जी, सलाम अलैकुम, मैं कर्नाटक से 2400 किलोमीटर दूरी से आया हूँ। क्या बात है, रेडियो श्रोता सम्मेलन के लिए जुड़ने के लिए, रेडियो हर किसी कारण के लिए बंद होने नहीं चाहिए, बंद होने नहीं देंगे जी। अब यहाँ के क्या आएंगे तो दिल्ली घुसेंगे, मोदी को आह्वान करेंगे जी। हमारा रेडियो चालू रहेगा, चलता रहेगा, चलने दीजिए भाई जान, एक शेर हो जाए। मेरे को शेर तो नहीं आती, सौ शेर आता है। क्या बात है, जय हिंद जय भारत, जय माँ भारती बोल दीजिए एक बार, जय माँ भारती, जय माँ भारती, जय माँ भारती। क्या बात है, हाँ जी, महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवणे जी, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे। नमस्कार।
नमस्कार, मैं नाहर सिंह कटारिया जागरूक हरियाणा पे दिखा रहा हूँ कि ये वो चेहरे हैं जो रेडियो को सुनते हैं, रेडियो में जान में जान डालते हैं, और ये वो चेहरे हैं रेडियो को कहते हैं कि प्यार करे, कहते हैं ना वो ढाई अक्षर प्रेम के। जी हाँ, वो है रेडियो। रेडियो को सुनेंगे, मनोरंजन उसका अनूठा होता है, प्यारा होता है। और मैं समय दिखा रहा हूँ आपको, इनके हाथ में सर्टिफिकेट मोमेंटोस जो है वो बहुत बड़ी बात है कि सम्मान नजर आ रहा है। गले में इनका एक आई कार्ड भी है, अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन। जी हाँ, और इस समय हम इस समय समाप्त करना चाहेंगे मीडिया के प्रेस हमारे भाई साहब हैं, सब भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे आज सबके चेहरे में बड़े फूल फूल से आ रहे? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के बाहर के और महाराष्ट्र के सभी श्रोता इकट्ठा हुए हैं। जी, जो खुशी हो रही है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जी, चेहरे पे खुशी और दिल में गदागद। जी हाँ, इस समय वो कहते ना एक लड्डू से फूट रहे हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं आज महाराष्ट्र से चल करके, मध्य प्रदेश से चल करके, तेलंगाना से चल करके, और पंजाब वो उसके साथ साथ मैं आपको कहूँ तो हिमाचल प्रदेश या पंजाब या बड़े सभी राज्यों से चल करके आज यहाँ लोग करनाल क्षेत्र में मेरे घर में आए हैं। आज अवार्ड समारोह यहाँ पर है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग तमाम भारत में ये वीडियो जरूर भेजे और रेडियो को बचाओ आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखाओ। मोबाइल जरूर आ गए हैं, डिजिटल का मीडिया का जमाना है, मानता हूँ, परंतु आज जरूरत है रेडियो को बचाने की। अगर हमारे घर में बुजुर्ग नहीं होंगे तो हम घर को कैसे चला पाएंगे? ये रेडियो हमारे बुजुर्गों की एक ऐसी धरोहर देन है, उसको जिंदा रखना है। हर घर में रेडियो लाएं और उसका मनोरंजन का फायदा उठाएं। और साथ में आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग आज इतनी दूर से चल करके यहाँ पहुँचे हैं, समझिए आप भी अंदर आ जाइए। मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ दोस्तों कि जो लोग इतनी दूर दूर से चल के आते आए हैं, मैं तमाम उन लोगों को अपनी तरफ से नतमस्तक और उनका करनाल में भव्य स्वागत करता हूँ कि इन लोगों ने अपने पूरे हरियाणा पूरे भारत से निकल करके आज यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं एक एक मिनट का कुछ लोगों से बोलूँगा, समाज दूंगा। भाई साहब, कैसा लगा कार्यक्रम? अच्छा लगा। करनाल में पहुंचकर कैसा लगा? सर, करनाल में बहुत से लोग आए हैं, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। रेडियो को जिंदा रखना चाहते हो? एकदम जबरदस्त प्रोग्राम है। अध्यक्ष आयोजन समिति का बहुत हम शुक्रगुजार है। शुक्रगुजार है, मीठे मीठे शब्द। धन्यवाद, बहुत खुशी हो रही है। जिंदा रखना चाहते हैं? रेडियो से प्यार करते नहीं करते, आप बताइए मुझे, करते हैं? रेडियो को आई लव यू रेडियो कह दो। रेडियो आई लव यू, रेडियो आई लव यू, क्या बात है। हाँ जनाब, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। क्या बात है, ये महाराष्ट्र के लोग हैं, हमारी जान है, जान है। रेडियो श्रोता जगत जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, रेडियो हमारी पहचान भी है। क्या बात है, रेडियो इलू इलू। अब भले है, क्या बात सर, रेडियो हमारी जान है। परलियोजनाथ महाराष्ट्र बद्रीनाथ नगरी से आए हैं, बारह ज्योतिर्लिंग में से एक है जो बद्रीनाथ धाम परली में है। जी धन्यवाद, धन्यवाद जी। मैं ये चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मन की बात रेडियो से कहते हैं, जी वो मन की बात जो हमारी जो बंद की जा रही है वो रह जाएगी। क्या बात है, जब मन की बात वो जब मन की बात रेडियो से करते हैं, ये मन की बात जो हमारी जो लोकल जितने भी स्टेशन है वो शुरू रहनी चाहिए। क्या बात, क्या बात, हमारी मन की बात क्या रहेगा? कन्या मैं रेडियो से बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात है, रेडियो की आवाज दिल हरा भरा। क्या बात है गजब जी, रेडियो हमारी जान है। उपवाज रेडियो से प्यार करते हो? रेडियो जे है, रेडियो लव यू। हाँ बोले, क्या बात जी, रेडियो खुशियों का खजाना है जी। श्रोता एकता जिंदाबाद। क्या बात जी, रेडियो दिल की धड़कन है और दिल की धड़कन कभी शरीर से जुदा नहीं हो सकती, जुदा नहीं हो सकती। क्या बात है, रेडियो पूरे देश की जान है। जी जी धन्यवाद, रेडियो जिंदाबाद। क्या बात, कातर से है। ओ बोले, क्या बात, कातर से प्यार करते हैं, इसलिए करनाल आए भी है हम। जी धन्यवाद जी, बल्ले बल्ले रेडियो। ओ बोले, क्या बात जी, रेडियो और हम एक दूसरे के लिए, वी आर मेड फॉर ईच अदर। क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों। मैं नाहर सिंह कटारिया आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर रेडियो
रेडियो जिंदा होगी, जी हाँ रेडियो जिंदा होगी तो हम भी जिंदा होंगे। यानी रेडियो ही ऐसा है जो हमारे मनोरंजन को बढ़ावा देती है। हमारे एक और श्रोता गण मिल चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, सर कहाँ से हैं आप? जसवाड़ी। कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश। क्या बात है, स्वागत है आपका करनाल में। तो क्या कहेंगे आप? रेडियो से प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, लगन रेडियो से तो एक साथी हमारा। ओके, क्या बात है, उतना ही जिएंगे, नहीं तो रेडियो को पकड़ हम जिंदा नहीं रहेंगे। जिंदा नहीं रहेंगे। कैसी लगी रेडियो? बहुत, क्या बात है, आज जरूरत है रेडियो की। जी हाँ प्रधानमंत्री जी, मैं नहर सिंह कटारिया आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप मन की बात कहते हैं, अगर रेडियो बंद हो जाएगी तो हमारे मन की बात मन में रह जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे भगवान है आप, क्योंकि मेरे देश के राजा है मेरे प्रधानमंत्री जी, इस देश के प्रधानमंत्री जी, रेडियो यहाँ के हरियाणा ही हिंदुस्तान के श्रोतागण की जान है, इसको जिंदा रहने दें और सारे कार्यक्रम में कटौती ना करें और रेडियो विभाग में भर्तियां भी करके रेडियो को जिंदा करने का काम करवाएं। मैं नार सिंह कटारिया अपील करता हूँ जेस नूर जागरूक हरियाणा के साथ, आप इस वीडियो को ज्यादा से